सो एसिड प्लस बेस इट सॉल्ट प्लस वॉटर तो ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है हे इट्स मी अंजलि वर्मा योर केमिस्ट्री एजुकेटर और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर जो की एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट इसका ये माइंड मैप रहने वाला है जहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट वे में देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसिड से एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो कि एच प्लस आयन को रिलीज करते हैं एक एक्वा सोल्यूशन में एक्व सोल्यूशन का मतलब

बेस तो बेस के एग्जांपल्स हमारे पास हैं NaOH KOH तो ये सब हमारे पास स्ट्रांग बेस होते हैं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें NH4OH की तो ये हमारे पास होते हैं वीक बेसिस ऐसे बेसिस जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम कहते हैं अल्कली जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है NaOH एंड KOH तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद हम बात करते हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं

हमारे पास एक इंडिकेटर होता है और ये नेचुरल इंडिकेटर है दो तरह के हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं एक होते हैं हमारे पास नैचुरल और किसमें हमारे बेसिक तो किस सोल्यूशन में, में उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सिंथेटिक जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है methyl, orange, ये सब हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं एंड थर्ड हमारे पास आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर

तो सोल्ट की डेफिनेशन तो हमने देख ली है तीन तरह के यहाँ पे सोल्ट देखते हैं सबसे पहले आता है वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हमसे पूछी जाती है वॉशिंग so, सोडा होता है एन ए टू सीओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ ये जो टेन एच टू ओ है दिस इज द वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ही आप इसे हीट अप करोगे सो दीज गेट रिमूव एंड अगर वापस से इसमें वाटर एड कर दोगे सो so ये वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन में तो so, ये हमारे पास हो गया है नेक्स्ट वी हैव बेकिंग सोडा तो अगर हम बेकिंग सोडा को देखें तो अगेन दैट इज अ सॉल्ट एंड इसका फॉर्मूला होता है एन ए एच सी ओ थ्री दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देन वी कम टू ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर होता है हमारे पास कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड तो यहाँ पे सी ए सी एल टू ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है इससे रिलेटेड रिएक्शंस काफी सारी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है तो आपको वो भी देखनी है एंड ऑल्सो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लास्ट में आप देखते हो वो भी इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम तो दोनों ही हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है दिस एंड जिप्सम एज वेल सो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी एस ओ फोर डॉट टू एच टू ओ एंड यहाँ पे अगर हाफ मॉलिक्यूल अटैच रहता है कैल्शियम सल्फेट के साथ सो इन दैट केस वो हमारे पास क्या होता है दैट इज

forget to like share and subscribe to this channel and i'll see you guys in the next video till then take care